नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीहोर सांसद रमा देवी के पाकिस्तान वाले बयान पर मचे बवाल के बीच आज होने वाला पुतला दहन कार्यक्रम हुआ रद्द। कार्यक्रम स्थल और समय एक होने के कारण नहीं मिला प्रशासनिक आदेश। नरकटियागंज में हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आया नया मोड़। संदेहास्पद स्थिति में मिली एक युवती का शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसएसबी ने नरकटियागंज स्टेशन परिसर में चलाया सफाई अभियान, लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर हुआ चंपारण मेडिकल केयर का उद्घाटन। मरीजों का किया गया मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दी गई दवाइयां। नरकटियागंज में हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। आज मोतिहारी के छोटा बरियारपुर स्थित आराध्य पारा मेडिकल एवं डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने किया उद्घाटन। और बढ़ते अपराध तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर तिरवा क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस के साथ की बैठक। पलनवा, रामगढ़वा और मझौलिया के थाना अध्यक्ष उक्त बैठक में हुए शामिल। सीहोर सांसद रमा देवी के कथित पाकिस्तान वाले बयान पर हर तरफ बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आपको बता दें कि आज ढाका के गांधी चौक पर जदयू और भाजपा समर्थक शाम के 3 बजे एक दूसरे का पुतला दहन कर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन प्रदर्शन स्थल और समय एक होने के कारण प्रशासनिक आदेश नहीं मिल सका और दोनों राजनीतिक दलों को पुतला दहन कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए ढाका गांधी चौक पर प्रशासन मुस्तैद है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आज दोपहर में खुद सिकरहना एसडीएम इफ्तिखार अहमद और एसडीपीओ राजेश कुमार दल बल के साथ ढाका गांधी चौक पहुंचकर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सिकरहना एसडीएम ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज दोनों ही गठबंधन के नेताओं के द्वारा आवेदन दिया गया था कि 3 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाए और दोनों का स्थान एक ही था, गांधी चौक, और समय भी था, वो भी एक ही था, 3 बजे। उन दोनों से मेरी बात की गई कि समय को आगे पीछे कर लिया जाए, क्योंकि दो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, तो स्वाभाविक है कि दो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं तो हो सकता है कि आपस में टकरा जाएं। तो इस संदर्भ में दोनों को ही परमिशन नहीं दिया गया। और फिर यहाँ जो विधि व्यवस्था है वो संतुलित रह सके, उसके लिए यहाँ पर इम्प्लायमेंट किया गया है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोगों को रोक दिया गया है पुतला दहन करने से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस व्यवस्था में लगे हुए हैं कि उस आदेश का उल्लंघन नहीं हो। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से बड़ी खबर है, जहां प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि एक युवती का संदेहास्पद स्थिति में शव मिला है। मृत युवती जिम्मी सोनी की साली बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के दिन जिम्मी सोनी उर्फ जितेंद्र सोनी को अपराधियों ने पैर में गोली मारी थी। युवती का शव नगर के हरदिया गाँव में संदेहास्पद स्थिति में प्राप्त हुआ है। लोग दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं कि युवती से मृतक राजेश श्रीवास्तव का प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती को हत्याकांड में शामिल अपराधियों की जानकारी थी, जिसकी वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मृतका के गले पर जख्म के निशान मिले हैं। अब मामला हत्या का है या आत्महत्या का, यह तो जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है। वहीं इस संबंध में डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मामले की छानबीन की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार को एसएसबी 44वीं वाहिनी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाकर स्टेशन परिसर की साफ सफाई की गई तथा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। उक्त अभियान एसएसबी के कार्यवाहक कमांडेंट अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। कमांडेंट श्री सिंह ने बताया कि इस मिशन के तहत जवानों द्वारा स्टेशन परिसर की सफाई की गई तथा लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके। इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलती है और उस गंदगी से बीमारी फैलती है, इसलिए कूड़े को डस्टबिन में डालें और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें।
इस कार्यक्रम में सहायक कमांडेंट प्रसन्नजीत दास समेत अन्य जवानों ने भी भाग लिया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवाह क्षेत्र स्थित पिपरपाती पुल के समीप चंपारण मेडिकल केयर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन चंपारण के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और मोतिहारी स्थित हार्ट क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज आलम एवं पूर्व उप मुखिया हसमत अली ने संयुक्त रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर किया। उद्घाटन के अवसर पर 100 से अधिक मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया तथा जरूरत की दवाएं उन्हें निःशुल्क दी गई। मरीजों की जांच डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज, डॉक्टर फरहत आरा, डॉक्टर शहजाद आलम द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शहजाद आलम ने बताया कि मरीजों की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। पूर्व उप मुखिया समाज सेवी हसमत अली ने बताया कि यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। उद्घाटन के अवसर पर मुअज्जम अली, आबिद हुसैन, अरशद आलम आदि सहायकों सहित मुखिया पति अली असगर, सरपंच फिरोज दीवान, हारून अंसारी, सोनू राय आदि उपस्थित थे। पिपरपाती पुल चौक पर अल्फला स्कूल के समीप चंपारण हेल्थ केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर शाहनवाज आलम और डॉक्टर फरहत आरा के द्वारा लगभग 150 मरीज का निःशुल्क देखा गया और निःशुल्क दवाई भी बांटी गई। इससे यहाँ के लोगों में बहुत हर्ष है, लोग बहुत खुश है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में हुए प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दो नकाबपोश अपराधी बाइक से आते हैं और ताबातोड़ राजेश श्रीवास्तव के ऊपर गोलियां बरसाते हैं और फिर मिश्रा मार्ग होते हुए निकल जाते हैं। इधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन लोगों को पिस्टल दिखाकर अपराधी भागने में सफल रहता है। आज मोतिहारी के छोटा बरियारपुर स्थित आराध्य पैरामेडिकल एंड डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, डॉक्टर हेना चंद्रा, भाजपा के महामंत्री डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, अनिल कुमार वर्मा, कॉलेज के निदेशक दयाशंकर चौधरी, प्रतिभा शर्मा एवं रेणु चौधरी सहित अन्य ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विधायक प्रमोद कुमार ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और भारत सरकार तथा जापान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे देश के युवक 6 माह का छोटा कोर्स करके जापान में जाकर सीखने के साथ साथ 1 लाख से अधिक का सैलरी कमा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को भारत में शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। वहीं इस मौके पर विधायक ने उदय कुमार को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किया। अंत में प्रतिभा शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार और कॉलेज के निदेशक दयाशंकर चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का यही जो संस्थान खुला है आराध्य पैरामेडिकल एंड मेडिकल के, जो जापान गवर्नमेंट के साथ जो कोलैबोरेशन कर और जो यहाँ के नौजवान विद्यार्थी हैं उनका स्किल डेवलपमेंट कर, जैपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट कर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर, पैरामेडिकल डेवलपमेंट कर और जापान गवर्नमेंट के पास मैन पावर के रूप में जो भारत का जो कोलैबोरेशन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो भारत को एक नई रोजगार देने की दिशा में जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का महोदय का जो स्टार्टअप इंडिया का जो स्वरूप हुआ है, जो G20 का जो रूप हुआ है, जिसका जीता जागता ये उदाहरण। कार्यक्रम यूथ के लिए किया गया है, जो वैसे बच्चे जो कि मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं और दिशाहीन होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा NSTC कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम होता है SSW, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर। एक छोटा सा कोर्स होता है 6 मंथ का। उस कोर्स के तहत वो जापान में जाएंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे और पैसा भी कहेंगे। उसमें होता है कि मात्र 6 मंथ का कोर्स है, उसमें हम जैपनीज लैंग्वेज सिखाएंगे और साथ में वो जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर, ऐसे 14 सेक्टर्स में जाना है वहाँ पर। लेकिन अभी फिलहाल जापान सरकार से 2 सेक्टर के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही चोरी की वारदातों के अलावे अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तिरवाह विकास संघर्ष समिति के द्वारा पिपरपाती पुल के समीप संघ के उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसका संचालन मोहम्मद नैयर ने किया, जिसमें क्षेत्र के जनता के साथ साथ पलनवा थाना, रामगढ़वा थाना एवं मझौलिया थाना के थानाध्यक्ष शामिल हुए। मौके पर हरेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक जनता स्वयं सतर्क नहीं रहेगी तब तक वारदातों को रोकना मुश्किल है।
उन्होंने संदिग्ध लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आह्वान किया, साथ ही सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार से दूर रहने का भी आह्वान किया। साथ ही रात में और गश्त करने की मांग उठाई। मझौलिया थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि जहां की जनता अपराध रोकने के लिए तत्पर हो, वहां अपराध पनप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तिरवाहवासी अपने बच्चों के चाल चलन, क्रियाकलाप तथा पहनावे पर विशेष ध्यान दें, साथ ही रात्रि में उनका लड़का कहां घूम रहा है इस पर विशेष नजर रखें। उन्होंने क्षेत्र में अमन चैन और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की सहयोग करने का भी अपील किया। साथ ही सक्षम लोगों को CCTV कैमरा लगवाने का सुझाव दिया एवं अभिभावक को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। अच्छा प्रयास है यहाँ के लोगों का कि कुछ अपराध की छिटपुट घटनाएं जिसमें वाहन चोरी और मवेशी चोरी की घटनाएं घटित हो रही है, इसके लिए यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। 3 थानों के प्रभारी आए हुए हैं, सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, हम लोगों के द्वारा गश्ती बढ़ाया जाएगा और यहाँ के लोगों द्वारा भी बताया गया है कि ग्राम सभा का एक गठन होगा, ग्राम रक्षा दल, जो लोग इस पर निगरानी रखेंगे, अपने बच्चों पर निगरानी रखेंगे और रात में जो लोग मोटरसाइकिल आदि से घूमने वाले हैं उन पर निगरानी रखा जाएगा और अपराधियों को पकड़कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि प्रशासन के कानून व्यवस्था में रह के और प्रशासन का सहयोग करें और जहां प्रशासन विफल हो रहा है उसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देने। हम लोग इसमें जागेंगे और लोगों को जगाएंगे, एगो कमेटी बनाएंगे। अभी तक तो बहुत क्राइम रुका हुआ था, मगर बीच में जो लड़का लोग हैं जो कर रहे हैं लोग, इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे। अब मेहनत करके हम लोग प्रयास करेंगे किसी गांव का, किसी अगल बगल का कुछ ना हो, इसके लिए हम लोगों को हर हमेशा प्रयास और कोशिश हमेशा रहेगा। बाहर से अगर कोई आगे करता है, बगैर हम लोगों में से मिले हुए नहीं हो सकता है। तो जो गार्जियन है उनसे दबाव बनाया गया कि 8 बजे के बाद आपका बच्चा आपका घर पर रहे, अगर पीपर पांधी पुल पर अगर मोटरसाइकिल से 10 बार चक्कर लगाता है, रात के 12-1 बजे तक घूमता है, तो आपका बेटा जो इसमें लिप्त है, आपके बेटा के माध्यम से बाहर से लोग आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।